नमस्कार, आज हम बात करेंगे रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि RCT, जो कि आजकल एक बहुत कॉमन डेंटल प्रोसीजर है। RCT क्या होता है और इसका क्या खर्च रहता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि दांत की बेसिकली तीन परत होती हैं, दो हार्ड परत और एक सॉफ्ट। दो हार्ड परत इनेमल और डेंटिन होती हैं और तीसरी सॉफ्ट परत पल्प होती है, जिसमें कि ब्लड वेसल्स होते हैं और नर्व्स होती हैं, जिससे हमारे दांत को खून की सप्लाई मिलती है और नसें होने के कारण उसमें दर्द का अनुभव भी होता है जब दांत टूट जाता है या उसमें कीड़ा लग जाता है। तो दांत में कीड़ा जब स्टार्ट होता है वो इनेमल और डेंटिन से होता हुआ जब पल्प तक पहुँचता है तो हमें तेज दर्द का अनुभव होता है। तो यही स्टेज है जब हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट या RCT की जरूरत पड़ती है। और दूसरा कॉमन कारण है जब दांत किसी चोट के कारण या गिरने से टूट जाता है, उसकी पल्प एक्सपोज हो जाती है यानी कि बाहर की तरफ दिखने लगती है, तो उसमें भी डायरेक्ट ठंडा या गर्म लगता है और तब भी हमें RCT यानी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने की जरूरत पड़ सकती है। अब हम जानते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट का इलाज बेसिकली होता क्या है, डेंटिस्ट कैसे रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं। डेंटिस्ट जिस दांत में इन्फेक्शन हो गया है उस दांत में एक छोटी सी कैविटी बनाते हैं जिससे कि उसके अंदर की नसों तक पहुंचा जा सके और रूट कैनाल यानी कि दांत की जो जड़ है उसमें एक कैनाल यानी कि स्पेस है जिसमें कि ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं, उसको क्लीन करके उसमें आर्टिफिशियल नर्व्स वो डालते हैं। तो इसके लिए एक छोटा सा छेद करते हैं और एक सुई जैसे इंस्ट्रूमेंट से लेकर दांत की नसें यानी कि रूट कैनाल को क्लीन करते हैं और उसमें एक फिलिंग मटेरियल डालते हैं जो कि दांत में आगे कोई इन्फेक्शन ना होने दे, उसको इन्फेक्शन होने से रोक सके। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट का खर्च हम जानते हैं कैसा रहता है। रूट कैनाल का खर्च बेसिकली डिपेंड करता है रूट कैनाल टाइप पे। आजकल दो तरह की रूट कैनाल ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं। पहली पुरानी कन्वेंशनल टेक्निक जो कि हैंड इंस्ट्रूमेंट यानी कि हैंड फाइल्स, जो छोटी सुइयां डेंटिस्ट यूज़ करते हैं उन्हें हैंड फाइल्स कहा जाता है। तो उससे डेंटिस्ट अलग अलग साइज़ की फाइल से हमारे रूट कैनाल स्पेस को क्लीन करते हैं। पहले छोटे नंबर से स्टार्ट करके बड़े नंबर तक जाते हैं, उसको क्लीन करते हैं ताकि उसको भर सकें और उसके बाद उसको किसी फिलिंग मटेरियल से भर दिया जाता है। तो यह थोड़ा लंबा प्रोसेस रहता है क्योंकि हाथ से किया हुआ काम थोड़ा सा टाइम लेता है। तो इसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट जो है मैनुअल रूट कैनाल ट्रीटमेंट है उसका खर्चा 1500 से लेकर 3000 या 4000 तक जा सकता है। और सेकंड टाइप की रूट कैनाल ट्रीटमेंट है रोटरी एंडोडोंटिक्स। रोटरी यानी कि एक रोटेट करने वाले इंस्ट्रूमेंट से, जो मशीन से रोटेट कर रहा है उससे रूट कैनाल ट्रीटमेंट की जाती है। तो ये मॉडर्न टेक्निक है, इसमें हम जो फाइल्स जो यूज़ करते हैं वो मशीन से चलती हैं और मशीन से जो कैनाल स्पेस है बहुत जल्दी साफ़ होता है और बहुत अच्छे से साफ होता है। तो इसका खर्च इसलिए ज़्यादा होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का जो रोटरी एंडोडोंटिक्स है वो सभी डेंटिस्ट के पास अवेलेबल नहीं होता है, ये या तो स्पेशलिस्ट के पास या एक्सपीरियंस डेंटिस्ट के पास होता है। और ये इसके रिजल्ट मैनुअल ट्रीटमेंट है उससे काफ़ी बेटर पाए गए हैं और इसलिए इसका खर्च थोड़ा ज़्यादा है। ये 3000 से स्टार्ट होकर आपका 10000 तक भी जा सकता है। कभी कभी न्यू डेंटिस्ट या कुछ डेंटिस्ट 2000 से भी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं। भाई इसका ट्रीटमेंट अप्रोक्सीमेटली आप लगा सकते हैं 2000 से लेकर 7-8000 और कभी कभी 10000 तक भी जा सकता है। तो ये था दो तरह के रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में, रूट कैनाल की जरूरत कब पड़ती है और डेंटिस्ट में क्या करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।